शैतान वाजी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय नेम इज़ सुबिन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ व्यूवर, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन जो है आपकी यकीनन अच्छी जा रही होगी। आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है बायो 2 0 3 के करंट फाइनल टर्म पेपर 2020 का, 2020 का करंट का जो फाइनल पेपर गुजरा है पिछले साल उसकी ये वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम मीडिया वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो। इसके अलावा मैं फाइनल टर्म, मिड टर्म, क्विज, असाइनमेंट, GDBA सबके सोल्यूशन अपलोड कर रही हूँ और साथ फाइनल टर्म स्टार्ट होने तक मैं बहुत सारी फाइल अपलोड कर रही हूँ। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि मेरी जो तमाम आने वाली वीडियो है जितनी भी मैं अपलोड करूँ आपको फौरी से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं स्क्रीन पर, आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लॉटिंग टेक्निक ऑन द बेसिस ऑफ डिटेक्शन।
तो जी हाँ व्यूवर, ये थी हमारी आज की वीडियो बायो 2 0 3 के करंट फाइनल टर्म के पेपर 2020 की। वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए आप मुझे बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको इस फाइल में कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो या कोई समझ ना आई हो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। आपको इस सब्जेक्ट के अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट था आपका, उसको आपका फाइनल टर्म चाहिए या करंट पेपर चाहिए, जो भी चाहिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बुक कोड के साथ बता दें, ताकि फाइनल टर्म से पहले पहले मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूँ। उसके अलावा असाइनमेंट क्विज़ या GDB सॉल्यूशन भी अपलोड है मेरे चैनल पे, आप लोग विजिट करके वो भी देख सकते हैं। और आपको अगर किसी सब्जेक्ट की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए कोई फाइल चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूँगी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी है। और इसी के साथ साथ अगर आपको फाइनल टर्म की प्रिपरेशन फाइल चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जल्दी से। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए।